After giving some hit movies like Pyaar Ka Punchnama and Sonu Ki Titu Ki Sweety, actor Kartik Aaryan reveals what was that thing that made him cry during his struggling days. While celebrating Children's Day on Wednesday with the Smile Foundation Kids, Aaryan said, जी सर, बचपन से मतलब 8th स्टैंडर्ड से मेरे को शौक चढ़ा था, स्कूल में शौक चढ़ा था एक्टिंग का. एंड बट मैंने कभी मम्मी पापा को बताया नहीं था, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि उनको कैसे बोलूँ कि मेरे को एक्टर बनना है, क्या वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. आई डिडंट नो देन, बट बचपन से ही था सबका. मैंने जब बताया, जब मुझे प्यार का पंचनामा का ऑडिशन मैंने क्लियर किया, कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, एंड बेसिकली स्ट्रगल पीरियड के टाइम पे मैंने कुछ नहीं बताया था मम्मी पापा को. बट जब फिल्म मेरी फाइनली मेरे को ऑडिशन क्लियर हुआ, तब मैंने उनको बताया. एंड आई वाज क्राइंग जब मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया था कि मैं ऐसे मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और ये एक फिल्म है जिसमें मेरा फाइनली एक सिलेक्शन हुआ है, और इतने टाइम से मैं स्ट्रगल कर रहा था, आप लोग को नहीं बताया था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरे को सपोर्ट कर पाते कि नहीं कर पाते. Kartik Aaryan will next be seen alongside Kriti Sanon in Lukka Chuppi, the shoots of which is almost complete. The actor has also signed Kirik Party, a Hindi remake of Kannada film with Jacqueline Fernandez as the female lead. IANS report. Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.